हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो के लिए हमें चाहिए एक नोटपैड, ग्लव या फिर आप बलून भी ले सकते हैं, और हमें चाहिए होंगे एक्रेलिक कलर। आज हम नीलकंठ बना रहे हैं जो एक बहुत ही सुंदर फ्लावर है, तो मैं उसके लिए कलर यूज़ कर रही हूँ वाइट, येलो, ब्लू एंड रेड। सबसे पहले हम अपने नोटपैड को वाइट एक्रेलिक कलर से कवर कर लेंगे ताकि हम जो भी कलर इसके ऊपर बाद में यूज़ करें वो एकदम निखर के सामने आए। अब मैं 3 डॉट्स यहाँ पे रख रही हूँ जो कि मेरे पोजीशन है फ्लावर्स के जहाँ पे मैं बनाऊँगी। अच्छा, अगर आप इसे एक बड़े सरफेस पे बना रहे हैं तो आप इसे डायरेक्टली ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में भी कलर को यूज़ कर सकते हैं, बट बिकॉज ये नोटपैड बहुत छोटा है इसलिए मैं ब्रश की हेल्प से ही कलर डाल रही हूँ। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से येल्लो के चारों तरफ वाइट कलर के डॉट रखे, और अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ रेड कलर के डॉट। ये हमारे फूल के बीच का जो सेंटर होगा वो पार्ट बनेगा। और फाइनली, क्योंकि नीलकंठ नीले रंग का होता है इसलिए हम इसमें ब्लू कलर देंगे। तो जिस तरीके से मैंने बाकी कलर को रखा उसी तरीके से मैं इस कलर से भी एक सर्कल बना रही हूँ, डॉट डॉट। ओके, अब हमारा फाइनल स्टेज जहाँ पे हमारी ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक काम आने वाली है, वो ये कि आपको अपने बलून को या फिर अपने ग्लव को इस तरीके से ब्लो करके हल्का सा इन्फ्लेट करके अपने कलर्स के ऊपर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से हमारे नीलकंठ बन गए हैं। और उसके बाद अगर आपको जो भी पैच मिलेगा साइड में उसे आप दोबारा से वाइट कलर से कवर कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया। फाइनली हमें इस फ्लावर्स के ब्रांचेस बनाने हैं और इसकी लीव्स बनानी है, और थोड़ा सा इसे और टेक्सचर देने के लिए, इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए लास्ट में मैं इसमें रेड कलर से डॉट्स रख दूँगी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर और नेचुरल लग रहा है। ओके, वन मोर थिंग, बिकॉज ये चैनल मेरा नया है इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।